morning and welcome to all my students. And today this is our third day and we are going to continuing our series of adamant phrases. And I expect all of you are liking our videos of adamant phrases, and I am sure that these videos will be surely benefit you in your future, in your student life, in your professional life. And use these adamant phrases in your sentences, because when you use these adamant phrases in your sentences, this will make your sentence a very smart and intelligent. देखो क्या है पहला हमारा, what is the first? It is street urbs. Street urbs क्या है बच्चों? A homeless person, एक ऐसा person जो homeless हो गया हो, यानी बेघर हो गया हो, अनाथ हो गया हो. जैसे हम देखते हैं कि आजकल के time में, कोरोना के टाइम में क्या हो गया कि सब लोग अनाथ हो गए, यानी सब लोग अब बेघर हो गए, यानी सब लोग जा रहे हैं अपने गांव जा रहे हैं. तो यानी दे ऑल आर स्ट्रीट अर्ब्स नाउडेज. तो क्या बोलेंगे हम स्ट्रीट अर्ब्स, यानी जैसे एग्जांपल लेते ही कॉट अ स्ट्रीट अर्ब. क्या नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रेज इज टॉक बिग. क्या है बच्चों? टॉक बिग. टॉक बिग मीन्स क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा डिंगे मारना. जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, यानी टू बूस्ट करते हो, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कोई बात को बोलते हो, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? आप डिंगे मार रहे हो उस चीज़ के ऊपर. जैसे मैं बोलूँ एग्जांपल, यू शुडंट टॉक बिग इन फ्रंट ऑफ योर टीममेट्स आफ्टर यू स्कोर अ गोल. यानी क्या बोल रहा है? यानी तुमको जो चाहिए इतना अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के अपने टीममेट्स के सामने नहीं बोलना चाहिए जब आप अपने गोल को स्कोर कर रहे हो. यानी आप अपनी बढ़ाई इतनी ज़्यादा खुद नहीं कर सकते, ठीक है? तो डिंगे मारना एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसी को बोलते हैं डिंगे मारना. जब भी हम डिंगे मारते हैं तो क्या यूज करते हैं? टॉक. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फ्रेज इज रेनी डे. रेनी डे मीन्स क्या होता है बच्चों? आर्थिक कष्ट के दिन, यानी ऐसे दिन जब आपके पास पैसों की कमी हो, उस दिन को क्या बोलते हैं? रेनी डे बोलते हैं. स्पेशली हम कब यूज करते हैं? स्पेशली फाइनेंशियल नीड, जब भी आपको पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो उन दिनों को क्या बोलते हैं? रेनी डे. यानी एग्जाम्पल लेते हैं एक बार, आई नो यू वॉन्ट टू बाय न्यू टी वी विद योर बोनस, बट यू शुड रियली सेव दैट मनी फॉर ए रेनी डे. यानी क्या बोल रहा है? मैं जानता हूँ कि आपको एक नया टी वी खरीदने की ज़रूरत है, जो आपके बोनस के पैसे मिले हैं उनसे आप नया टी वी खरीदना चाहते हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ये भी अपने रेनी डे के अपने बोनस के पैसों को अपने रेनी डे के लिए सेव करके रखना चाहिए. यानी जो आपके मान लो कभी फ्यूचर में आपका ऐसा टाइम आएगा जब आपके पैसों की कमी होगी आपके पास, तो आपको इन बोनस के पैसों का फ्यूचर के लिए, आप रेनी डे के लिए यूज करना चाहिए. तो इसी को बोलते हैं रेनी डे. यानी रेनी डे मतलब स्पेशली इट इज़ यूज फॉर अ डे व्हेन वी आर फेसिंग स्पेशली फाइनेंशियल नीड. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट फ्रेज इज गुड सैमरिटन. बच्चों इस चीज के इसका यूज हम तब करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं जो बहुत ही दयालु हो. जैसे मैं बोलूँ अ पर्सन हु हेल्प्स एनीबॉडी, यानी एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की हेल्प करता है. यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इज रियली ए गुड सैमरिटन. एवरी टाइम ही सीज समवन नीडिंग हेल्प, ही जंप्स इन एंड हेल्प्स देम. यानी जब भी वो देखता है किसी भी पर्सन को हेल्प की जरूरत होती है, तो वो उसका रियली में हेल्प करता है, वास्तव में उसका जाके हेल्प करता है. यानी वो वास्तव में एक अच्छा पर्सन होता है, दयालु व्यक्ति होता है. तो हम क्या बोल सकते हैं? गुड सैमरिटन इज जनरली यूज फॉर अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प फॉर नीडी पर्सन. जैसे मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ, आवर प्राइम मिनिस्टर इज ए गुड सैमरिटन. हमारे जो PM है वो एक गुड सैमरिटन है. नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट फ्रेज इज फैंसी प्राइस. फैंसी प्राइस मीन्स क्या होता है बच्चों? एट एनी कॉस्ट, मतलब मुंह मांगी कीमत. यानी जिस भी कीमत पे आपको चाहिए वो कीमत पे आपको वो सामान मिल सकता है. जैसे एग्जाम्पल लेते, ही सेल्स पुअर गुड्स एंड चार्ज फैंसी प्राइस. इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो जो सामान बेचता है वो तो अच्छा सामान नहीं बेचता, पुअर गांव सामान बेचता है, यानी क्वालिटी नहीं होता उसके सामान में, लेकिन वो उसी सामान का जो प्राइस चार्ज करता है वो बहुत ही फैंसी प्राइस चार्ज करता है. यानी मुंह मांगी कीमत चार्ज करता है, यानी जो भी चाहिए जो भी बोल देता है एट एनी कॉस्ट, मतलब जो भी चाहता है उससे वो प्राइस वसूल लेता है. जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते, दीज ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर सोल्ड एट अ फैंसी प्राइस. यानी जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, यानी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फूड होते हैं ये, तो ये जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स है ये बहुत फैंसी प्राइस पे बिकते हैं. यानी मुंहमांगी कीमत पे लोग इनको खरीदने के लिए तैयार है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इज इट हम्बल पाई. मीन्स क्या होता है? टू अपोलोजाइज. मीन्स क्या होता है? शर्मिंदगी झेलना. जब भी हम किसी चीज की माफी मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? यानी शर्मिंदगी झेलते हैं माफी मांगते समय, तो उसको क्या बोलते हैं? इट हम्बल पाई. एग्जाम्पल लेते, व्हेन ही रियलाइज हिज मिस्टेक ही हैड टू ईट हम्बल पाई. यानी जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसको क्या झेलना पड़ा? उसको शर्मिंदगी झेलना पड़ा. यानी टू अपोलाइज तो होता है, लेकिन अपोलाइज शर्मिंदगी के साथ अपोलाइज भी करना पड़ता है उसको. तो क्या बोलते हैं उस कंडीशन में हम?
ईट हम्बल पाई। ठीक है बच्चों, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज मेयर्स नेस्ट। क्या है बच्चों? मेयर्स नेस्ट, इसका मीन्स क्या होता है? अ फॉल्स इन्वेंशन, मतलब झूठी अफवाह। आप देख रहे हो आजकल जो कोविड 19 के टाइम में लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं, इस कारण जो हमारे कंट्री का कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल देखते, एन आइडिया डैट सीम्स इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग बट इज फाउंड टू बी फॉल्स और हैव नो वैल्यू। यानी कि ऐसा आइडिया जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, एंड बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन ये फाउंड टू बी फॉल्स, यानी वास्तव में गलत आइडिया होता है, यानी और इसकी इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका कोई वजूद नहीं होता, और ये हमारे कंट्री के लिए लॉस का कारण बनता है, लॉस का सबब बनता है, और हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी, सब चीज़ के लिए क्या हमारा लॉस का सौदा है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज गो टू डॉक्स। क्या है बच्चों? गो टू डॉक्स मीन्स क्या होता है? टू डिजेनरेट मीन्स क्या होता है? व्यर्थ हो जाना कोई चीज़, उसको क्या बोलते हैं हम? गो टू डॉक्स। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन यू गो टू डॉक्स यू बिकम रिंड, यानी जब भी आप गो टू द रॉक्स जाते हो, यानी तुम क्या हो जाते हो? रिंड हो जाते हो, यानी व्यर्थ हो जाते हो, यानी बर्बाद हो जाते हो। यानी इस कंडीशन में यूज करते हैं जब हमारा कोई भी प्लान बनाते हैं और वो क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? गो टू द डॉक्स। यानी हमने देखा होगा बहुत सारे, आजकल जो हम अपने लाइफ में भी बहुत सारे प्लान बनाते हैं और असफल हो जाते हैं, जब हम उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाते तो वो क्या हो जाता है? वास्तव में असफल हो जाता है, यानी व्यर्थ हो जाता है, यानी टू डिजेनरेट हो जाता है, उसको उसी प्लान्स को हम क्या बोलते हैं? गो टू द डॉक्स प्लान। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज एट अ लॉस। एट अ लॉस मीन्स क्या होता है? निर्णय ना ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी एक ऐसा कंडीशन जब आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एट अ लॉस, यानी टू बी अनेबल टू डिसाइड। इस एग्जांपल लेते हैं, मैरी इज एट अ लॉस व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी मैरी जो है वो इज नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी उसको पता नहीं चल पा रहा है, यानी वो निर्णय नहीं ले पा रही है कि उसको क्या करना है। तो ऐसा इसका यूज, एट अ लॉस का यूज तब करते हैं जब हम क्या बोलते हैं, जब हम डायलमा में होते हैं, यानी आपको पता नहीं होता क्या करना है, कोई परफेक्ट कंक्रीट निर्णय नहीं ले पा रहे हो आप, तो आप क्या यूज करते हो? एट अ लॉस, यानी टू बी अनेबल टू डिसाइड। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज बर्न ए होल इन द पैकेट। क्या है बच्चों? बर्न ए होल इन द पैकेट मीन्स क्या होता है? मनी स्पेंड क्विकली, यानी जब भी आप अपने पैसे को बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही जल्दी जल्दी खर्च करते हो, तो क्या बोलते हैं हम इसको? बर्न ए होल इन द पैकेट, यानी आप अपने पैसे को बहुत जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, माई अलाउंस इज बर्निंग ए होल इन माई पॉकेट, यानी जो मेरे इतने सारे जो खर्चे हैं, यानी जो मेरे अलाउंस है, वो क्या कर रहे हैं? मेरे पॉकेट को बर्न कर रहे हैं, यानी मेरे पैसे सब, मेरे पैसे को क्या कर रहे हैं? शीघ्रता से खर्च करवा रहे हैं। यानी जब भी आप पैसे को बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हो, यानी ऐसा कंडीशन आता है, शादी के टाइम में आता है, यानी आपकी, आपका कोई पार्टी है, पार्टी के टाइम में आप बहुत सारी चीज़ खरीदनी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीज़ें मंगवानी पड़ती है, तो आपके पैसे बहुत सारे खर्च होते हैं, शीघ्रता से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, तो आप क्या यूज करते हो? During party, when we organize party, we have to burn a hole in our pocket. Yani, we are burning a hole in our pocket when organizing a party because we have to purchase a lots of thing in the party. Now, the next important one is sweat of one's brow. Kya hai bachcho? Sweat of one's brow means कड़ी मेहनत करना, yani hard labor. Yani, जब भी आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हो, तो आप किसका यूज करते हो? स्वीट ऑफ वंस ब्रो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यू कंप्लीटेड इट विद आदत ऑफ वंस ब्रो, यानी क्या बोले? यू कंप्लीटेड इट विद आदत ऑफ वंस ब्रो, यानी तुमने इसको कैसे कंप्लीट किया? यानी कड़ी मेहनत करके आपने इस काम को कंप्लीट किया। तो जब भी आप मेहनत करके काम को कंप्लीट करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, तो आप किसका यूज करते हो? स्वीट ऑफ वंस। नाउ द लास्ट वन इज पुल अ लॉन्ग फेस। मींस क्या होता है? उदास होना, यानी टू हैव अ सैड और डिसअपॉइंटेड, यानी जब आप कभी उदास हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो आप क्या यूज करते हो? पुल अ लॉन्ग फेस। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, शी पुल्स अ लॉन्ग फेस व्हेन हर मदर स्कॉल्ड्स हिम, यानी वह क्या हो जाता है? उदास हो जाता है जब उसकी माँ उसको क्या करती है? स्कॉल्ड करती है। नाउ द लास्ट वन इज ग्रीन हैंड। ग्रीन हैंड मीन्स क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति, यानी अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी एक ऐसा पर्सन जो अभी फ्रेशर हो, यानी उसको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं हो, यानी अनएक्सपीरियंस हो, यानी अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसको क्या बोलेंगे? अ ग्रीन हैंड। बोल सकते हैं एग्जांपल में, ही इज अ ग्रीन हैंड पर्सन।